अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जो है वो रियाज़ुल जन्ना की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। हमारा अपॉइंटमेंट जो है वो 7:30 बजे का था, जो ठीक मगरिब की नमाज़ के बाद है। तो आइए हम दुआ करते हैं कि खैर खैरियत से जो है वो अपने टाइम के मुताबिक रियाज़ुल जन्ना पर जो है वो पहुँच जाएँ। तो आइए किस तरह ये प्रोसीजर होता है आगे हम बढ़ते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है मस्जिद नबवी का, और जिसको मुसलसल देखने का ही दिल कर रहा है तो एक मरतबा सब लोग जो है वो दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आला इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अब जो है वो एंट्रेंस पे हम आ गए हैं। अब वो एप के थ्रू जो है वो एक बार कोड होता है जो हम पेमेंट लेते हैं, तो उसके 2 घंटे पहले जो है ये बार कोड हमें रिसीव हो जाता है। अब वो कतार में जैसे ही हम जाएंगे तो वो बार कोड को स्कैन करेंगे, जिसमें हमारा टाइम, रियाज़ुल जन्ना की अपॉइंटमेंट की डेट वगैरह सब ऑटोमेटिकली उनके पास सॉफ्टवेयर में आ जाती है, जिसके तहत जो है वो हमें अलाउ करेंगे कि हमारा टाइम प्रॉपर है। यदि नमाज से पहले मैंने कोशिश की थी तो उन्होंने कहा था कि मगरिब की नमाज़ के बाद आपकी टाइमिंग है, आप उस वक्त आइएगा। अभी जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं ये वन बाय वन जो है वो हर किसी का जो है वो बार कोड को जो है वो स्कैन करेंगे और उसमें प्रॉपर टाइमिंग देखकर जो है वो उनको अंदर अलाउ किया जाएगा रियाज़ुल जन्ना के लिए। तो इस तरह ये बाकायदा ये एक एक शख्स का जो है वो बार कोड जो है वो स्कैन किया जा रहा है। आइए हम देखते हैं कि हमारी बारी कब तक आ रही है। देखिए वो स्कैन प्रॉपरली कर रहा है। आज की वीडियो का मकसद है आपको गाइड करना कि किस तरह जो है वो रियाज़ुल जन्ना तक ये पहुँचते हैं। याद देखिएगा ये गेट नंबर 37 है, इसके सामने आपको आना होता है रियाज़ुल जन्ना के लिए। ठीक 2 मिनट रह गए हैं 7:30 बजने में, और इंशाल्लाह देखें हमारा प्रॉपर टाइम पर हमें रियाज़ुल जन्ना में एंट्री मिल जाती है या नहीं मिलती। अल्लाह से दुआ करते हैं। हमारा जो है वो बार कोड जो है वो सही से स्कैन हो चुका है। अब हम रियाज़ुल जन्ना की तरफ जो है वो बढ़ने जा रहे हैं। तो एक मरतबा फिर से आप दरूद शरीफ पढ़ लें। गेट नंबर 37 जो है वो अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि रियाज़ुल जन्ना में जो फर्स्ट टाइम जो होता है उसमें तलाश करना होता है कि इसकी एंट्रेंस कहाँ से होगी, तो अक्सर लोग थोड़े से मुश्किलात में होते हैं। तो ये देखें रियाज़ुल जन्ना से जिन जिनका टाइम मुकम्मल होता जा रहा है वो बाहर निकलते जा रहे हैं और हम जो है वो दाखिले की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये रियाज़ुल जन्ना का जो है वो वेटिंग एरिया है। अभी ये यहाँ जो है वो जैसे ही टाइम शुरू होगा उसके रियाज़ुल जन्ना की एंट्रेंस में जो है वो दाखिल करेंगे। इससे पहले जो है वो अंदर दाखिल होते ही जो है ना वेटिंग एरिया में जो है वो सबको जो है वो वेट करवाया जा रहा है, और वेटिंग एरिया में प्रॉपर टाइम होने के बाद जो है वो फिर रियाज़ुल जन्ना की तरफ जो है वो भेजा जाएगा। अब ये वेटिंग एरिया से रियाज़ुल जन्ना की तरफ जा रहे हैं सब लोग। तो गेट नंबर 39 जो है वो रियाज़ुल जन्ना की तरफ जो है वो जा रहा है। तो सब एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते जाएं। अब देखें यहाँ जमजम का पानी जो है ये तकसीम कर रहे हैं सबको, और हमें भी जो है वो जमजम की जो है वो 2 बोतल मिल चुकी हैं, और अब हम जो है वो रियाज़ुल जन्ना की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। सब जो है वो बारी बारी कतार लगा कर जो है वो रियाज़ुल जन्ना में नफल अदा करेंगे, और हमें उम्मीद है कि आज इशा की फ़र्ज नमाज भी जो है वो हमें यहाँ मिलने का मौका है। Thank you.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے اور یہ مسجد نبی کا ممبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک اور ممبر تک کا جو فاصلہ ہے یہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے. امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی. تھینک یو ویری مچ.